वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 5 नवंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है इनकोर सॉफ्टवेयर के बारे में। तो अभी भारतीय चुनाव आयोग ने संपूर्ण उम्मीदवार और प्रबंधन के लिए इन हाउस सॉफ्टवेयर इनकोर डिजाइन किया है। तो अब देख लेते हैं इसके बारे में। तो इस इनकोर सॉफ्टवेयर का मतलब वास्तविक समय वातावरण पर संचार सक्षम बनाना है। ये रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों के नामांकन, शपथ पत्र, मतदाता मतदान गिनती और परिणाम और डेटा प्रबंधन की प्रक्रिया के लिए एक निर्बाध सुविधा प्रदान करेगा। इनकोर काउंटिंग एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों के लिए डाले गए वोटों को डिजिटलीकरण करने, राउंड वाइज डेटा को सारणीबद्ध करने और फिर गिनती को विभिन्न वैधानिक रिपोर्ट को निकालने के लिए एंड टू एंड एप्लीकेशन है। इनकोर स्क्रूटनी एप्लीकेशन नामक एक अन्य एप्लीकेशन रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवारों द्वारा ऑनलाइन दाखिल किए गए नामांकन की जांच करने की अनुमति देता है। नामांकन के सत्यापन के लिए स्थिति को स्वीकृत, अस्वीकृत या वापस लिया जाने के रूप में चिन्हित किया जाता है, जिससे रिटर्निंग अधिकारियों को चुनाव लड़ने वाले जो उम्मीदवार होते हैं उनकी अंतिम सूची तैयार करने और उनके प्रतीक आवंटन जो चिन्ह को वितरण करा जाता है उनको करने में मदद मिलती है। भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो ये एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है। संविधान में भारतीय निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यालय के चुनावों का निर्देशन, अधीक्षण पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो इसके कार्य में ये पूरे संपूर्ण देश में चुनावी निर्वाचन क्षेत्रों के क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदाता सूची को तैयार करना, समय समय पर संशोधित करना और सभी जो पात्र मतदाता हैं उनका पंजीकरण करना और चुनाव के कार्यक्रमों और तारीखों को अधिसूचित करना, नामांकन पत्रों की जांच करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। आयोग के पास संसद और राज्य विधानमंडलों में जो के मौजूदा सदस्य जो होते हैं उनकी चुनाव के बाद अयोग्यता के मामले में सलाहकार क्षेत्राधिकार भी इनके इसके पास होता है। संरचना इसकी क्या है? तो इसमें आयोग में मुख्य एक चुनाव आयुक्त तो यानी चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होते हैं और दो चुनाव आयुक्त तो होते हैं। अनुच्छेद 324 के क्लास 2 के तहत राष्ट्रपति सीईसी और अन्य इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करता है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब संसद कानून द्वारा प्रावधान नहीं करती है तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। इसके जवाब में भारत सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यालय अवधि के लिए एक विधेयक 2023 पेश किया है। इसमें प्रावधान है कि चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, एक राष्ट्रीय कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता, सबसे बड़े विपक्षी दल जो होगा उसका नेता या तो विपक्ष नेता या जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होगा उसका नेता शामिल होंगे। ये विधेयक अभी भी राज्यसभा में लंबित है, अभी मतलब पारित नहीं हुआ है। संविधान इन कार्यालयों में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक या अन्य कोई योग्यता निर्धारित नहीं करता है। सभी आयुक्तों का कार्यकाल और सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी। आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा। जो पहले इसमें जो 6 वर्ष या 65 वर्ष ये जो भी पहले होगा तभी इनका रिटायरमेंट होगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा दो अन्य इलेक्शन कमीशन के पास जो वेतन सहित समान शक्तियाँ और परिलब्धियाँ हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती हैं, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं जो भी उनको मिलती हैं सुविधाएं वही सारी इनको भी सुविधाएं मिलती हैं। हमारा अगला आर्टिकल है मेथनॉल डीजल ईंधन 15 के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। भारतीय रेलवे की के तकनीकी सलाहकार अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन यानी RDSO
ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर एक विशेष ईंधन मेथनॉल डीजल 15 विकसित किया है। तो अब देख लेते हैं ये मेथनॉल डीजल ईंधन 15 के बारे में। तो ये भारतीय रेलवे के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन द्वारा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है। ये एक लागत प्रभावी मिश्रित ईंधन है जिसमें 15% मेथनॉल, 71% खनिज डीजल और IOCL द्वारा 14% स्वदेशी रूप से विकसित योजक शामिल हैं। MD15 के लाभ क्या हैं? तो यह नियमित खनिज डीजल ईंधन की तुलना में बेहतर प्रदर्शन, दहन और उत्सर्जन विशेषताएं प्रदान करता है। इसमें डीजल की खपत को 15% तक कम करने और पर्याप्त वार्षिक बचत करने में भी क्षमता होगी। ये हानिकारक प्रदूषक और महत्वपूर्ण रूप से कम इनको हानिकारक जो प्रदूषक होते हैं उनको कम करता है और स्वच्छ और हरित वातावरण में योगदान देगा। NOx उत्सर्जन काफ़ी कम था, इस प्रकार धुंध और प्रदूषण का कारण बनने वाले हानिकारक प्रदूषकों की में कमी आएगी। मेथनॉल के बारे में मुख्य तथ्य देख लेते हैं। तो इसे एल्कोहल, वुड एल्कोहल या वुड स्पिरिट भी कहा जाता है। ये एल्कोहल नामक कार्बनिक यौगिक की एक लंबी श्रृंखला में सबसे सरल है, जिसमें एक हाइड्रोक्सी समूह यानी OH से जुड़ा हुआ एक मिथाइल समूह यानी CH3 होता है। ये पूरी तरह से पानी में घुल जाता है। इसका उत्पादन कैसे होता है? तो ये सामान्यतः संश्लेषण गैस बनाने के लिए प्राकृतिक गैस की वाष्प रिफॉर्मिंग द्वारा उत्पादित किया जाता है। इस संश्लेषित गैस को उत्प्रेरक के साथ रिएक्टर में डालने से मेथनॉल और डीजल वाष्प को उत्पन्न होता है। इसके अनुप्रयोग तो ये रसायन बनाने के लिए, ऑटोमोटिव विमानन ईंधन से पानी निकालने के लिए और पेंट और प्लास्टिक के लिए विलाय के रूप में विभिन्न प्रकार के उत्पादों में एक घटक के रूप में उपयोग मतलब प्रयोग में आते हैं। हमारी अगला आर्टिकल है अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट के बारे में यानी एडॉप्शन गैप रिपोर्ट। आइए देख लेते हैं। अनुकूलन गैप रिपोर्ट के अनुसार अनुकूलन उपायों के लिए विकासशील देशों को उपलब्ध कराया जा रहा जो धन है वो कम हो रहा है और आवश्यकता के पैमाने के आसपास भी ये नहीं पहुंच दिया जा रहा है। तो ये 2014 से संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP यूनेप द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता रहा है। रिपोर्ट का उद्देश्य अनुकूलन को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को सूचित करना है। ये तीन तत्वों इसमें योजना, वित्त पोषण, कार्यान्वयन में अनुकूलन प्रक्रिया को वैश्विक स्थिति और प्रगति पर एक अद्यतित सूचना प्रदान करता है। यह उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट श्रृंखला का पूरक है और उत्सर्जन अंतराल को बंद करने में विफल रहने के नियतार्थों का पता लगाता है। यह यूनेप, कोपेनहेगन जलवायु केंद्र और विश्व अनुकूलन विज्ञान कार्यक्रम द्वारा सहनिर्मित है, मतलब ये इनके दोनों के द्वारा निकाला जाता है। इसमें यूनेप, कोपेनहेगन जलवायु केंद्र और विश्व अनुकूलन विज्ञान कार्यक्रम द्वारा ये बनाई जाती है रिपोर्ट। ये तो रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष देख लेते हैं। तो ये अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक अधिकांश क्षेत्रों के लिए अनुकूलन लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, विशेष रूप से उच्च वार्मिंग परिदृश्यों के तहत। अनुकूलन वित्त की आवश्यकताएं, इसमें वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक अनुकूलन निधि प्रवाह की तुलना में 8 से 10 गुना अधिक है। सभी देशों को तत्काल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करनी चाहिए और सुभेद जनसंख्या की रक्षा के लिए अनुकूलन प्रयास को बढ़ावा देना चाहिए। अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकसित देशों से विकासशील देशों को फंडिंग 2021 में पिछले वर्षों की तुलना में 15% कम थी। ये अनुकूलन अंतराल को पाटने के 7 तरीकों की पहचान करता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रवाह वृद्धि और संसाधनों का अधिक घरेलू संग्रहण शामिल है। साथ ही ये विश्व बैंक या IMF जैसी बहुपक्षीय एजेंसियों से जलवायु संबंधी उद्देश्यों के लिए वित्त की अधिक और आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक वैश्विक वित्तीय संरचना में सुधार का भी आह्वान करता है। हमारा अगला आर्टिकल है टॉरिड उल्कापात के बारे में यानी टॉरिड मेटियोर शावर के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही टॉरिड उल्कापात अपने चरम पर पहुंचेगा, एक खगोलीय प्रकाशीय दृश्य रात्रि में आकाश को सुशोभित करेगा। अब आइए देख लेते हैं टॉरिड उल्कापात के बारे में। तो ये उल्काएं आवधिक धूमकेतु के मलबे हैं
जिनकी धूमकेतु के लिए एक ज्ञात कक्षीय अवधि कम सबसे कम है। ये सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण यात्रा करने में केवल 3.3 वर्ष लगाते हैं। इसे इस उल्कापात का नाम वृषभ आकाशगंगा के नाम पर रखा गया है। इस मायने में यह अद्वितीय है और इसमें दो अलग अलग धाराएं शामिल हैं, अर्थात दक्षिणी और उत्तरी टॉरिड, जिसमें दोनों बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव के कारण समय के साथ फैल गई हैं। इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है और ये आधी रात के आसपास सबसे अच्छा दिखाई देता है। ये साधारण है, ये व्यस्त रातों में प्रति घंटा में 10 से भी कम तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि नवंबर में टूटते हुए तारे देखने के लिए बेहतर महीनों में से ये नवंबर महीना एक है, क्योंकि इस समय कई छिटपुट उल्काएं की घटना इसकी होती है। क्षुब्ध ग्रह उल्का एवं उल्कापिंड क्या है? तो ये क्षुब्ध ग्रह अंतरिक्ष में एक ऐसी वस्तु है जिसका आकार धूल के कणों से लेकर छोटे क्षुब्ध ग्रह तक होता है। जब क्षुब्ध ग्रह तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल यानी मंगल जैसे किसी अन्य ग्रह में प्रवेश करते हैं तो ये जल जाते हैं और आग के गोले या टूटते हुए तारे को उल्का कहा जाता है। जब कोई क्षुब्ध ग्रह वायुमंडल में यात्रा के दौरान जीवित बच जाता है और जमीन से टकराता है तो उसे उल्कापिंड कहा जाता है। उल्काओं का क्या महत्व है? तो ये सौर मंडल के इतिहास को प्रारंभिक स्थितियों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। इन्हें विभिन्न ग्रही निर्माण खंडों की आयु और संरचना, क्षुब्ध ग्रह की सतहों और भीतरी हिस्सों पर प्राप्त तापमान और अतीत में प्रभावों में सामग्रियों को किस हद तक झटका लगा था, इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हमारा अगला आर्टिकल है राष्ट्रीय कुशल कुकिंग कार्यक्रम यानी नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने अभूतपूर्व राष्ट्रीय कुशल कुकिंग कार्यक्रम और ऊर्जा कुशल पंखा कार्यक्रम लॉन्च किया है। राष्ट्रीय कुशल कुकिंग कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। तो ये स्वच्छ पाक कला योजना का एक समूह है। ये विद्युत मंत्रालय की गो इलेक्ट्रॉनिक पहल के अनुरूप गैर सौर बिजली आधारित इंडक्शन कुक स्टोव पर केंद्रित है। यह कार्यक्रम इंडक्शन आधारित कुक स्टोव पेश करता है। इसका लक्ष्य संपूर्ण भारत में 20 लाख इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करना है। EESL ये खाना पकाने के तरीकों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, नागरिकों के लिए स्वच्छ हवा और बेहतर स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। EESL ने इंडक्शन कुक स्टोव्स की बड़े पैमाने पर वितरण के लिए मॉडर्न एनर्जी कुकिंग सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। इसके कारण वितरण से भारतीय रसोई घरों में खाना पकाने के आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की स्वीकृति पर बड़े पैमाने पर अपनाने में तेजी आने की उम्मीद है। इसके लाभ क्या होंगे? तो ये पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों की तुलना में 25-30% की लागत और लाभ प्रदान करता है, जो ऊर्जा बचत और लागत प्रभावी खाना पकाने के साथ समाधान दोनों का वादा करता है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो इसे भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के चार प्रतिष्ठित जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी NTPC लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, REC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संयुक्त उद्यम के रूप में ये इसको प्रचारित किया गया है। ये 10 दिसंबर 2009 को कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत है। इसका गठन विशेष रूप से नगर पालिकाओं, इमारतों, कृषि उद्योग आदि जैसी सार्वजनिक सुविधाओं में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों तक बाजार पहुंच बनाने और बनाए रखने तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की कई योजनाओं को लागू करने के लिए किया गया था। यह राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन की बाजार संबंधित गतिविधियों का भी नेतृत्व करता है। हमारा अगला आर्टिकल है एमनिस्टी योजना के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। वित्त मंत्रालय के केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एमनिस्टी योजना की घोषणा की है। इस योजना के अनुसार करदाताओं को अब डिमांड ऑर्डर्स के खिलाफ अपील दायर करने के लिए अतिरिक्त समय यानी जनवरी 2024 तक मिलेगा। डिमांड ऑर्डर्स केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 73 और 74 के तहत जारी किए जाते हैं।
धारा 73 और 74 उन मामलों में लागू होती है जब कर अधिकारियों के अनुसार कम कर का भुगतान किया गया है या कर भुगतान नहीं किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों को कर मांग का 12.5% पहले ही जमा करना होगा। हमारा अगला आर्टिकल है दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां यानी डेटेड जी सिक्योरिटीज के बारे में, यानी डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। तो अब आइए देख लेते हैं। सरकार ने अपने पहले 50 वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले बांड यानी दिनांकित सरकारी प्रतिभूति की नीलामी की है। इस बांड की खरीद के लिए निवेशकों में अधिक मांग देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत सरकार ने 40 वर्षों की परिपक्वता अवधि वाला बांड भी जारी किया था। ये अब तक का सर्वाधिक लंबी परिपक्वता अवधि वाला बांड है। ये दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ एक ऐसी प्रतिभूतियाँ होती हैं जिन्हें एक निश्चित या फ्लोटिंग कूपन यानी इसको ब्याज दर बोलते हैं के आधार पर जारी किया जाता है। इस ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक आधार पर अंकित मूल्य यानी फेस वैल्यू पर किया जाता है। फ्लोटिंग कूपन दर में ब्याज दरें बाजार के उतार चढ़ाव के साथ बदलती रहती हैं। ये दीर्घकालिक में बॉन्ड की बिक्री से सरकार को लंबी अवधि के कारण ऋण प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। इससे साथ ही ये अपनी ब्याज लागत को भी नियंत्रित करेगी। हमारा अगला आर्टिकल है फॉर्मेल्डिहाइड के बारे में यानी CH2O के बारे में। तो अभी शोधकर्ताओं ने पाया है कि फॉर्मेल्डिहाइड के संपर्क में आने से हिस्टोन्स और मिथाइलेशन का एक नुकसान होता है। हिस्टोन्स प्रोटीन होते हैं जो क्रोमोसोमल DNA हिस्टोन की मदद से सूक्ष्म केंद्रण के अंदर पैक होता है। ये हिस्टोन्स हजारों जीन के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। ये शोध फॉर्मेल्डिहाइड के कैंसर जन्य गुणों को अच्छी तरह से जानने और अधिक योगदान में उसमें कैंसर वाले जो सेल्स होते हैं उनको जानने में ये अधिक योगदान देगा। फॉर्मेल्डिहाइड का एक रंगहीन तेज गंध वाला और ज्वलनशील रसायन है। इसका उपयोग प्लास्टिक के रेजिन उत्पादन में, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में और घरेलू उत्पादों आदि में किया जा सकता है। स्पार्टम जैसे कृत्रिम मिठास युक्त पदार्थों के सेवन से ऊंचा पचय के दौरान फॉर्मेल्डिहाइड हमारे शरीर में ही उत्पन्न हो सकता है। हमारा अगला आर्टिकल है स्टर्लिंग इंजन के बारे में। तो ये अभी भारतीय वैज्ञानिकों ने एक सूक्ष्म पैमाने के हीट इंजन अर्थात स्टर्लिंग इंजन का निर्माण किया है। इस इंजन में 95% दक्षता का प्रदर्शन किया है। हाई पावर की स्थिति में उच्च दक्षता प्राप्त करना लगभग असंभव माना जाता है क्योंकि ऊष्मा को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में ऊष्मा का क्षय होता है। ये एक कोलाइडन बीड यानी घोल में तैरता एकल कण है और एक लेजर बीम से बना होता है। लेजर बीम में पारंपरिक रूप से ईंधन के रूप में जो उपयोग में की जाने वाली गैस की जगह ले ली है। साथ ही ये पिस्टन की तरह भी काम करता है। फिर इस सेटअप पर विद्युत प्रवाहित की जाती है। अगला हम देख लेते हैं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बारे में। तो इसे NDSA की टीम ने अभी मेडीगड्डा बैराज की विफलता के लिए कालेश्वरम परियोजना की योजना डिजाइन की आलोचना की है। तो तभी ये चर्चा में है। तो देख लेते हैं राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण के बारे में। तो ये NDSA ये बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत गठित एक वैधानिक प्राधिकरण है। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव या केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त समकक्ष अधिकारी करता है। इसके कार्य क्या होते हैं? तो NDSA के कार्य बांध सुरक्षा के मानकों को बनाए रखने और बांध विफलताओं को रोकने के लिए ये विनियमन बनाना होता है। ये सभी निर्दिष्ट बांधों और बांध विफलताओं का राष्ट्रीय स्तर पर डेटाबेस तैयार करता है और ये किसी बड़े बांध की विफलता या उसके प्रमुख लोक सुरक्षा संबंधी चिंताओं के भी कारणों की भी जांच करता है। अब हमारा देख लेते हैं हमारा एक प्लेसेस इन न्यूज में जो एक आर्टिकल है। तो इसमें गैलापागोस जो द्वीप है समूह है ये चर्चा में रहा है अभी। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा मैप में। ये साउथ अफ्रीका का मैप है और ये यहाँ पे जो मार्क दिख रहा है इसमें
गैलापागोस, ये यहाँ पे द्वीप समूह है। तो आइए इसको जूम करके देखते हैं। ये साउथ अफ्रीका का मैप है, ये इक्वाडोर है, और ये इक्वाडोर से ये पश्चिम में ये गैलापागोस आइलैंड है। तो इसको देख सकते हैं मैप में। अब आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये गैलापागोस द्वीप समूह, ये दो प्रबाल भित्तियां कोरल के समुद्री टीलों की खोज यहाँ पर की गई है। तो तभी चर्चा में ये द्वीप समूह, जैसा कि हमने देखा मैप पे, पूर्वी प्रशांत महासागर में अवस्थित है और इक्वाडोर के तट से ये लगभग 1,000 किलोमीटर दूर है। ये तीन महासागरीय धाराओं, इसमें हम्बोल्ट धारा, पनामा धारा और क्रामबेल धारा के संगम पर स्थित है। इसमें 13 बड़े और 6 छोटे द्वीप समूह शामिल हैं। भूमध्य रेखा इस द्वीप से होकर गुजरती है, जैसे ये वाली भूमध्य रेखा है, ये इस द्वीप से होकर गुजरती है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं क्या है? तो ये द्वीप लावा से के जमाव से बने हैं और ये शील्ड ज्वालामुखी यहाँ पर पाए जाते हैं, और यहाँ पर समय समय पर ये सक्रिय भी होते रहते हैं। सबसे बड़ा इसका द्वीप है इसाबेल, और इसका उच्चतम बिंदु इसाबेल द्वीप में जो बुल्फ ज्वालामुखी की चोटी है वह है। इसकी संरक्षण की स्थिति, तो आरंभ में ये गैलापागोस एक वन्यजीव अभयारण्य था, बाद में इसे राष्ट्रीय उद्यान अधिसूचित किया गया था, और ये एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी ये है। तो इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर में भी ये शामिल है। तो हमारे सारे आर्टिकल फिनिश हो गए। हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।